कल इनकम टैक्स क्लास टू। लास्ट क्लास में अपन इनकम टैक्स स्टार्ट किया, कब बनाई इनकम टैक्स एक्ट 1961, कब इनफोर्स हुआ, कब इफेक्टिव हुआ, 1 अप्रैल 62। किसके गवर्नमेंट का कौन सा डिपार्टमेंट इसे मैनेज करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्टर जो है इसके चीफ हैं, उसके अंडर दो बोर्ड आते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के, कौन से, सीबीडीटी और सीबीआईसी, इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम का जो बोर्ड है। सीबीडीटी इनकम टैक्स मैनेज करता है। इनकम टैक्स को समझने के लिए हमें इनकम टैक्स एक्ट भी आना चाहिए और फाइनेंस एक्ट भी। फाइनेंस एक्ट मतलब बजट, हर साल बनता है हमारा एनुअल बजट। इनकम टैक्स एक्ट क्या बताता है, इनकम टैक्स एक्ट बताता है हाउ टू कंप्यूट टैक्सेबल इनकम। ये कैलकुलेट कैसे होगा, इनकम टैक्स एक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग। हाउ विल यू चार्ज टैक्स, टैक्स की रेट कहां से आएंगी, एनुअल फाइनेंस एक्ट यानी कि बजट से। आपके सिलेबस में जो बजट है 23 वाला है, ये भी पता रहना चाहिए। बजट जो आया था 23 यानी कहने का मतलब फाइनेंस एक्ट 2023 जो है वो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए है। आपके सिलेबस में वही है, 1 अप्रैल 23 से लेके मार्च 24 अभी खत्म होगा, इस बीच जो इनकम किसने कमाई होगी उस पर क्या देना पड़ेगा आपको, क्लियर। इनकम टैक्स में आपको स्टडी करने के लिए एक तो ये चीजें जरूरी है, प्लस टाइम टू टाइम डिपार्टमेंट क्या इश्यू करता है, सर्कुलर और नोटिफिकेशन। कभी कंफ्यूजन हो तो इस तरह के नोटिफिकेशन इश्यू करता है। इनकम टैक्स रूल्स किसी चीज की क्लैरिफिकेशन के लिए आते हैं। जैसे अगर मैं रूल का एग्जांपल लूं, इनकम टैक्स में रूल है कि 10,000 से ऊपर पेमेंट इन अ डे अबव ₹10,000 इन कैश डिसअलाउड है बिजनेस में, डिसअलाउड एक्सपेंसेस इन बिजनेस। बिजनेस में खर्चा क्या कर दिया जाएगा, डिसअलाउड, ये खर्चा अलाउड नहीं होगा। इनकम टैक्स में सेक्शन 40A3 है, आप पढ़ेंगे आगे जाके, एक सेक्शन है सेक्शन 40A सब सेक्शन। तो 40A3 कहता है कि नॉट मोर देन 10,000 इन कैश इन अ डे विल बी डिसअलाउड, यू कांट डेबिट इट टू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसलिए 10,000 से ऊपर गलती से भी एक दिन में पेमेंट ना दे देना। मैंने किसी लेबरर को काम पे लगाया रिपेयर करने के लिए इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग, उसका पैसा बना 12,000। वो आया कहता सर 12,000 रुपए मेरे दे दो, मैंने कहा ये उठा कैश, चला गया। ये डिसअलाउड है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आएगा। क्योंकि सरकार ने रूल क्यों बनाया, क्योंकि एविडेंस नहीं होता ना कैश का, क्या सबूत है आपने 12 दिए के 1200 दिए के 5,000 रुपए दिए, झूठ भी कह सकते हो। इसलिए आपको ये पेमेंट किससे देनी चाहिए थी, ऑनलाइन मोड से, नेट बैंकिंग से कर दो, पेटीएम कर दो, गूगल पे कर दो, और जो भी मोड है चेक दे दो, अकाउंट पे ही चेक, तो वो पेमेंट कैश नहीं, ताकि वो डिटेक्ट की जा सके। क्योंकि अगर ऑनलाइन मोड से दोगे कल को उसका सबूत तो है ना, इतनी पेमेंट दी है इसलिए। लेकिन इसको और क्लियर करने के लिए रूल 6DD दिया इनकम टैक्स ने। इनकम टैक्स रूल्स क्यों बने, क्लैरिफिकेशन के लिए। किसी सेक्शन से लेके कोई डाउट है, कुछ और क्लैरिफिकेशन, वो सेक्शन के अंदर ही बनेंगे तो बहुत डिटेल हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने क्या बना दिए, रूल्स, कि भैया इस सेक्शन से रिलेटेड ये रूल है। जहां सेक्शन लिखा होगा इनकम टैक्स एक्ट में, उसमें क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट टू रूल्स 6DD या जो भी रूल नंबर है। तो रूल देखने के लिए अलग बुक आती है, इनकम टैक्स रूल्स, ठीक है। हमें तो इसी में पढ़ना है एक साथ सारा कुछ। तो ये 6D रूल क्या बताता था, एक्सेप्शन आगे आएगा। एक्सेप्शन मींस ये कहते दे दो भाई 10,000 से ऊपर कैश दे दो, कब, जब बैंक, व्हेन बैंक क्लोज्ड हो, बैंकों की छुट्टी, संडे नहीं मैं कह रहा, छुट्टी मींस स्ट्राइक, एमरजेंसी छुट्टी। ये नहीं कि मौका देखते रहो, संडे आने तो फिर देंगे, नहीं नहीं, संडे तो नॉन हॉलीडे है। कौन सा हॉलीडे, एमरजेंसी यानी स्ट्राइक वगैरह। पेमेंट टू एग्रीकल्चरिस्ट, पेमेंट टू
एग्रीकल्चर। किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वो चेक से पेमेंट्स ले, ऑनलाइन ले, वो कैश लेता है। मान लो नवरत्न व्यापारी है, किसान से कॉटन लेने गए, कॉटन मिल इनकी, कॉटन लेने गए, ट्रक भरा हुआ या ट्रॉली भरी कॉटन की 4 लाख रुपए की, वो सब वेट वूट हो गया। उसके बाद जब ये ले जाने लगा, चेक देने लगा, किसान ने कहा भैया पैसे, चेक नहीं लेता मैं पैसे। कहता जी पैसे तो अभी नहीं है चेक लो। कहता फिर माल भी नहीं है। अगला कहता पता नहीं चेक बाउंस हो जाए, मैं कहां ढूंढता फिरूंगा। अगला कहता मेरे तो अकाउंट भी नहीं है, हो तो भी नहीं लेना चाहता। तो कहने का मतलब सरकार को भी ये बात पता है कि कुछ प्रॉब्लम है, उन्होंने 6D में इसको क्या डाल दिया, एक्सेप्शन, यानी किसान को आप कैश भी दे दोगे तो चलेगा। सरकार के टैक्सेस वगैरह, गवर्नमेंट की पेमेंट, गवर्नमेंट की पेमेंट्स है ना, जैसे कि टैक्स, GST वगैरह, LIC का कोई लोन पे करना है, वो सरकार के आ जाए यार तू पैसे लेके तो आ, कोई बात नहीं कैश ले आ, तो भी अलाउ। तो ये एक्सेप्शन रूल्स में डाले गए, ये पूरा डिटेल टॉपिक है, पढ़ेंगे। और ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी बड़ा काम आता है कि कोई पेमेंट 10,000 से ज्यादा कैश तो नहीं दे रही। लोग पता क्या करते हैं, मान लो मेरी दुकान पे मैंने संजना को देने 25,000, मैंने संजना को कहा संजना मैं तुम्हें चेक दे दूं या नेट बैंकिंग, उससे संजना जिद पे है, नहीं सर मुझे कैश चाहिए और वो भी आज। ये मत कहना 8-10 हजार आज ले जो, 8-10 हजार कल लेना, 8-10 हजार परसों ले लेना। मुझे पता आप यही कहोगे क्योंकि 10-10 हजार से कम करके एक दिन में दोगे, मेरे पास टाइम नहीं है रोज रोज दोबारा आने का, 25,000 आज दो और वो भी कैश, क्या करूंगा। लोग जो गलत प्रैक्टिस करते हैं, मैंने क्या किया सुनो, 25,000 संजना को कैश देने, संजना बार बार पैसे लेने नहीं आना चाहती, तो मैं क्या करूंगा, मैंने ना संजना को 25,000 रुपए दिए, तिजोरी से कितने निकाले 10, 15 कहां से डाले पॉकेट से, दुकान से तो 25 ले नहीं सकता, कैश मिसमैच हो जाएगा ना दुकान का, बुक्स में एंट्री 10 की डालूंगा, जो भी रिपेयर का बिल, जो भी बिल है, मान लो इनसे मैंने सॉफ्टवेयर सर्विस ली है कोई, तो सॉफ्टवेयर एक्सपेंसेस काउंट डेबिट टू कैश 10,000 से ज्यादा कर नहीं सकता, 10 किए मैंने, 15,000 कहां से डाल दिए पॉकेट से पर्सनल। अगले दिन क्या करूंगा, 10,000 की फिर एंट्री करूंगा सॉफ्टवेयर एक्सपेंसेस टू कैश, और तिजोरी से निकाल के 10,000 किस में रख लूंगा पॉकेट में। अगले दिन 5,000 की एंट्री करूंगा अपनी सेफ से निकाल के पॉकेट में। तो संजना का भी काम सही हो गया एक दिन में पेमेंट, मेरा भी सही हो गया, इनकम टैक्स का गलत हो गया। पर ऐसी चीजों को पकड़ना मुश्किल है, लेकिन ये 2-3 दिन की बात है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर मैं कहूं संजना को 3,00,000 रुपए दे दिए मैंने कैश, और पूरा महीना ही ऐसे डाले जा रहा हूं एंट्री एक्सपेंसिस टू कैश 10,000 10,000 10,000, तो इनकम टैक्स वाले पकड़ लेंगे कि भैया ये ड्रामा है, सब कुछ नहीं इकट्ठे गए, ये ड्रामा है। इतना टाइम कहां है किसी के पास रोज रोज पेमेंट के लिए, काम धंधा नहीं है क्या कोई, और यही 10,000 रुपए के लिए राउंड लगाई जाएगी। तो इसलिए क्या है, जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है, फिर क्या शुरू होता है झगड़ा, ऑफिसर ये कह रहा है आप ये कह रहे हैं, फिर वो देखते हैं कोर्ट में भी जाता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, इनकम टैक्स में केस जो है कमिश्नर अपील के पास जाता है, जैसे ऑफिसर मान नहीं रहा आप उसे समझा रहे हैं, तो कमिश्नर बैठा होता है अपील, उसके पास क्या करोगे आप अपील, सर आपका जो ऑफिसर है ना मान नहीं रहा, सर ये वाली बात को हमारा ये पॉइंट देखो। कमिश्नर अपील भी नहीं मानता, वो कहता तू गलत है टैक्स भर, मेरा बंदा सही है। फिर एक ITAT है, ITAT इनकम टैक्स अपीलांट ट्रिब्यूनल, जैसे वो आपने फाउंडेशन में कंपनी लॉ में पढ़ा ना, नेशनल कंपनी लॉ अपीलांट ट्रिब्यूनल NCLT, वैसी इनकम टैक्स की अपनी कोर्ट है, कौन सी, इनकम टैक्स अपीलांट ट्रिब्यूनल, यू कैन गो टू ITAT। सर आपके कमिश्नर और आपके जो ऑफिसर है मान नहीं रहे, सर मैंने कोई टैक्स की चोरी नहीं की, प्लीज आप जजमेंट दो, ये भी ना माने, ये भी कहता हमारे बंदे सही है, फिर आप जाएंगे, यू कैन मूव टू हाई कोर्ट, सुन लो, फिर उसके बाद कौन सी, अपेक्स कोर्ट इंडिया की सुप्रीम कोर्ट। लोकल सिविल कोर्ट में आप नहीं जा सकते, इनकम टैक्स GST के केस लोकल सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते, सेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बस की बात नहीं है, वजह सुन लो ना। हाँ वहां पे जज को नॉलेज होगी इनकम टैक्स की, इतनी आप स्टूडेंट हो इसलिए पढ़ रहे हो, मुझे पढ़ाना है मेरा काम है, तो हम अपडेट होंगे, उनको क्या जरूरत है, सरकारी लगे बैठे हैं, कौन इनकम टैक्स पढ़े और ये हर साल अपडेट हो जाता है,
फिर वो जजमेंट तो देंगे ना। मान लो एक सी और ऑफिसर का मामला फंसा, कोई छोटी बात तो है नहीं, क्योंकि वो लीगल कोई उसमें पॉइंट है, कोई लूपहोल है, तो इतनी अच्छी नॉलेज होगी तो ही वो फैसला कर पाएगा। तो उस जज को इनकम टैक्स की नॉलेज हर साल अपडेट कौन करे? तो इसलिए हाई कोर्ट में 2-3 जज ऐसे डेजिग्नेट कर दिए जाते हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, वो स्टडी भी कर सकते हैं, बस वो हर केस वही सुनते हैं जीएसटी का, इनकम टैक्स का। इसलिए आपका केस सीधा हाई कोर्ट में जा सकता है, हाई कोर्ट में ना बात बने तो सुप्रीम कोर्ट। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, केस इतने आगे तक जाते नहीं, या तो बहुत ही बड़ा मामला हो तो फिर वो जाएंगे, वरना क्या है, क्योंकि खर्चा बहुत बढ़ जाएगा ना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाने में, या तो फिर कोर्ट केस ही बहुत बड़े अमाउंट का हो तो जाएगा। क्लियर है? आईटीएटी में ही काफी हद तक सही डिसीजन होते हैं, रिटायर्ड आदमी लगे होते हैं इसमें, जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर बड़े बड़े वो बड़ी पोस्ट पे होते हैं ना, आईआरएस ऑफिसर, वो बैठे होते हैं, रिटायर हो चुके हैं, टेम्पररी होती हैं आदों की नौकरियां, नहीं होती परमानेंट। उनपे क्या प्रेशर काम करेगा? उनको कोई पॉलिटिकल धमकी दोगे, उनका क्या है? अगर नौकरी है ही नहीं उनकी तो प्रेशर पड़ता है जो बड़े पे। तो ऐसे बंदे बैठे होते हैं, काफी हद तक सही डिसीजन हो जाता है, वरना यू कैन मूव टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो फ्यूचर के लिए क्या बन जाता है? लॉ ऑफ लैंड, जब तक कि एक्ट ना बदले। सुन लो, एक दो बार क्या हुआ, वोडाफोन वाले केस में टैक्स लगाने की बात आई, कोर्ट ने कहा इस पे टैक्स लगेगा, सरकार नहीं चाहती थी टैक्स लगाना, सरकार ने पार्लियामेंट में जाके एक्ट ही बदल दिया, कोर्ट की जजमेंट के प्रकच्छे उड़ा दिए सरकार ने, छुट्टी। आप देखो कि सरकार कितनी पावरफुल होती है, कोर्ट ने जजमेंट दिया कि टैक्स लगेगा इस पे, ऐसे ऐसे सरकार ने क्या किया, उसका एक्ट बदल दिया, रेट्रोस्पेक्टिवली बदल दिया, उससे क्या है फिर वो बच गए। तो सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती, सरकार के पास एक्ट बनाने के राइट है, कोर्ट के अगेंस्ट जाके भी एक्ट बना। कोर्ट क्या करता है, आप एक लॉ में पढ़ेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट और जनरल क्लॉजेज एक्ट, कोर्ट का काम है जो लॉ में लिखा है लॉ कौन बनाता है, नेता लोग। हरियाणा का लॉ कौन बनाएगा, असेंबली में, विधानसभा में एमएलए लोग। और भारत सरकार का कोई एक्ट है जीएसटी इनकम टैक्स या कोई और, वो कहां पास होगा, पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा में। तो वहां लॉ जो बन गया, कोर्ट जज साहब का मन कर रहा है ऐसे फैसला दे दूं, जज के कहने से क्या होता है, लॉ में जो लिखा है उसके अगेंस्ट तो जज भी नहीं जा सकता ना। तो इसलिए एक्ट बनाने वाले सबसे ज्यादा क्या है, सुप्रीम है अपने इंडिया में, जो वो कह देंगे वही जज को उसके अकॉर्डिंग फैसला देना है। जब तक लॉ नहीं बदलता तब तक सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल जजमेंट है वो क्या माना जाएगा, सुप्रीम। आगे के लिए वही एग्जांपल लेके चला जाएगा। चलो, तो अपन ने पढ़ा इनकम टैक्स रूल्स क्या होता है, सर्कुलर नोटिफिकेशन इश्यू करते हैं वो हो गया, कोर्ट के जजमेंट ओके 61 में बना। स्कीम ऑफ टैक्सेशन क्या बताता है कि इफ यू हैव इनकम ओवर द एग्जम्पशन लिमिट देन यू आर लायबल टू पे टैक्स, टैक्स देना पड़ेगा, ये स्कीम ऑफ टैक्सेशन है। अक्रूअल और रसीट बेसिस पे टैक्स आप पे लग जाएगा। प्रीवियस ईयर में कमाओगे टैक्स कब दोगे, असेसमेंट ईयर में दोगे इनकम टैक्स जो है। आगे हम पढ़ेंगे टीडीएस भी कटता है कुछ केसेस, पता क्या होता है टीडीएस अकाउंटेंसी में भी आता है ना, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। कम से कम दो आदमी इनकम टैक्स के चक्कर में आ जाते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक बिल्डिंग है, सुमित के पास एक बिल्डिंग है, मान लो मार्केट के बीच में बैंक है एसबीआई, उसको क्या दे रही, रेंट पे, ऑन रेंट, रेंट पे दे रही। अब इसका रेंट एसबीआई मुझे दे रहा है मान लो साल का 6 लाख रुपए पर अनम, मान लो, तो एसबीआई मुझे 6 लाख नहीं देगा, एसबीआई इसमें से क्या काटेगा, टीडीएस। एसबीआई इसमें से टीडीएस काटेगा, टीडीएस की रेट अलग अलग है, किसी चीज पे कितना, किसी चीज पे कितना, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे 192 ऑनवर्ड्स, हमारे पास चैप्टर है पूरा टीडीएस का। 10% है रेंट पे फिलहाल, नॉलेज के लिए बता दो। इंटरेस्ट पे भी कितना है 10, लॉटरी वगैरह लगती है उस पे 30%, अलग अलग रूल हैं। तो कितना कट गया 60, मुझे मेरे बैंक कितने पैसे हाथ में रख देगा 540, मैं गारंटी करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट 540, मेरा टीडीएस डेबिट कर दूंगा अकाउंटेंसी के अकॉर्डिंग कितना 60, टू रेंट की कमाई मेरी कितनी मानी जाएगी 6। भैया मुझे कैश 540 मिले तो क्या हो गया, 60,000 मेरे इनकम टैक्स के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा हो गए,
मेरे पैन नंबर के ऊपर, ठीक है। मैं कभी नाइट सेट पे जाके चेक करूंगा ना, मेरा पैन नंबर डाल के दिखाएगा कि आपका 60,000 डिपोजिटेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कल को मेरा टैक्स 80,000 बनाओ सारी इनकम जोड़ के, तो मैं कितना टैक्स भरूंगा? 20, क्योंकि 60 तो मेरा टैक्स पहले से गया हुआ है। मान लो मेरा टैक्स असेस हुआ सारा हिसाब करके, मेरा टैक्स बना मान लो 52,000, लेकिन मेरा टीडीएस कटा कितना है? 60। 8,000 पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुझे क्या दे देगा? रिफंड, रिफंड ऑफ टैक्स। कहेगा लो सुमित आप 8,000 पे अपना वापस ले लो। समझ आया? अब आपको जी फिर ड्रामा किया क्यों? सीधा मेरे को वो 6,00,000 दे देते और 52 का टैक्स मुझसे ले लेते, ठीक है ना? ऐसे क्यों ड्रामा? एक की बजाय दो आदमी इनकम टैक्स के चक्कर में आगे कि नहीं आए, समझ गए ना? दो आदमी फंसा लिए उन्होंने। तो भाई मान लो मैं कैसा आदमी हूं, जो करना कर लो, मैं तो टैक्स नहीं देता, जो करते हो बिगाड़ लो। बैंक वाले तो सीधे हैं बेचारे, वो कहते हैं भाई तू तो कह रहा है हमारा तो रेल बना देगा इनकम टैक्स, टीडीएस ना काटा तो हम तो काटेंगे भाई तेरा 60,000 रुपए टीडीएस, क्योंकि वो हम पे एक्शन ले लेगा। सही कह रहे हो, इनकम टैक्स किसके पीछे पड़ जाएगा? बैंक वालों पे। तुमने टीडीएस क्यों नहीं काटा? यू आर लायबल टू पे द होल अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ मी, तुम भरो, समझ गए ना? तो इसलिए बैंक के उसमें इनकम टैक्स के चक्कर में तो दो लोग आ गए ना, सुमित और कौन, जिससे इनकम टैक्स की रिकवरी इंश्योर हो जाती है कि उनके पैसे सेफ है। इनकम टैक्स कहता घबराता क्यों है? तेरा टैक्स जीरो बना तो 60,000 वापिस दे देंगे तेरे को। पर इनकम टैक्स से पैसे लेना ऐसा है जैसे शेर के मुंह में ज्ञानी वाला खींचना, आसान नहीं है, देते नहीं है जल्दी से। वो शक की नजर से देखते हैं कि कोई टीडीएस कटा होगा तो ही कटा होगा, अगर कोई कमाई हुई होगी तो टीडीएस कटा है वापिस कैसे मांग रहा है, चेक करो इसका केस। पूरी अच्छे से चेकिंग करते हैं और बुलाते भी कई बार, कहने का मतलब मुश्किल है वापिस लेना, वरना इनकम टैक्स की नॉलेज भी ना आता। अब लोग धड़ाधड़ रेंट दिए जा रहे हैं, मैं लिए जाता, इंटरेस्ट दिए जा रहे हैं लिए जाओ, सैलरी दिए जाओ कोई लिए जाए, इनकम टैक्स की नॉलेज में आएगा ही नहीं कौन कितने पैसे किससे ले रहा है। टीडीएस कटने से इनकम टैक्स की नॉलेज में आ गया ना सारा मैटर, और बस आ गया नॉलेज में तो फिर चेकिंग भी कर लेंगे। अब सरकार ने रूल बनाया 194 IA सेक्शन है, एक आगे आएगा, बहुत आगे, सुन लो बस ब्रीफ में थोड़ा नॉलेज के लिए कि टीडीएस क्या चीज है, क्योंकि इसमें लिखा मिलेगा जगह जगह। क्या? अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज की, प्रॉपर्टी बॉट ओवर 50 लाख, तो आपको उस पर टीडीएस काटना है 1%। किसको काटना है? बायर को। कितने परसेंट? 1। सेलर को देना है आपने 1% काट के। मान लो मिस्टर बी ने, मिस्टर एस से, क्या एस ने क्या दे दिया? घर बेच दिया, हाउस होल्ड। और ये इसको क्या देना है? इसका परचेज कंसीडरेशन है 70 लाख। कितने का घर खरीदा है? 70 लाख। तो बी बायर है, बी बायर है, और ये कौन है? सी सेलर है। सरकार कहती बायर को कि 70 लाख का है ना, इसमें से टीडीएस काट 1%। 70 लाख का 1% कितना हो गया? 70,000। आप नेट पेमेंट कितनी दो सेलर को? नेट पेमेंट टू सेलर कितनी दोगे? 69 लाख, ठीक है। तो बार को कहो कि तू सेलर को कितने दे दे? 69,30, और 70,000 की चिट दे दे जो तू हमें जमा करवा रहा है ना, उसका एविडेंस साइट पे दिख जाता है कि तेरा टीडीएस जमा कराया 70,000। क्लियर? इससे क्या फायदा हुआ? कल को सेलर एस है, वो कहे भाई साहब मेरा टीडीएस काट लिया बार ने, मेरा टैक्स तो नहीं बनता, वापिस ले ले, वापिस दे देंगे। पर समझे इससे क्या हुआ? इनकम टैक्स की पकड़ में आ गए ना मामले। इनकम टैक्स को पता लग गया बार कौन है, बी, 70 लाख का। बी को बुलाएगा, तू आके हिसाब दे 70 लाख तेरे पास आए कहां से। फिर आएगा एस, क्या बाबू जी मेरा टैक्स कटा है, रिफंड मांगना है। कहता आके हिसाब बता, कितने का खरीदा था तूने घर, कितने का बेचा, कितना कमाया, हिसाब कौन देगा? हिसाब दे। कहने का मतलब इनकम टैक्स के चक्कर में आ गया ना सारा पंगा, उनकी नॉलेज में आ गया ना, और नॉलेज में आना ही क्या है, काम शुरू, सारे हिसाब किताब वाला। समझ गए ना क्यों बनाते हैं ये रूल? अगर ये टीडीएस ना होता, 70 लाख रुपए भी देता सी को, सी लेके पार, इनकम टैक्स के हाथ में क्या ढूंढता फिर रहा है, क्या कमाया था, सी से पूछ रहा है
कि तूने कमाया था कुछ, तूने घर भेज, कहां पता लगेगा। अब कम से कम 70,000 रुपए तो सरकार की जेब में आ गए ना, और सैलर लेगा कैसे हिसाब देके भी, तेरा टैक्स क्यों नहीं बनता, हिसाब करते हैं तेरा, समझ गए ना। तो एक की बजाय दो आदमी, और उसकी नॉलेज में भी आ गया इनकम टैक्स के सारा मामला। अब हुड्डा के लोग प्लॉट खरीद रहे हैं, 1 करोड़ के हुए पड़े हैं छोटे छोटे प्लॉट, तो 1% हुड्डा का भी टीडीएस काटते हैं लोग, 1%। 1 करोड़ का है तो 1,00,000 रुपए काट के हुड्डा को कितने दोगे आप, हुड्डा अथॉरिटी है ना, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, 99 लाख, ऐसे 1 लाख क्या जमा करवा दो इनकम टैक्स। क्लियर है ये? चलो एक और बात आगे जाके पढ़ेंगे। अगर आपका टैक्स साल का टैक्स 10,000 पर अनम से ज्यादा बनता है साल का, तो सरकार कहती जी कमा कमा के भाग गया, फिर एक आदमी ने सारे साल खूब पैसा कमाया, कमा कमा के क्या पता लगा साल जब टैक्स देने की बारी आई अंडरग्राउंड हो गया, मिल ही नहीं रहा, वाइफ को कहा गया कहां है आपके साहब, कहती मैं तो खुद ढूंढ रही हूं पता नहीं कहां गया। इनकम टैक्स वाइफ को कहता है पैसे तो तेरे पास ही छोड़ गया होगा सारे, तो वाइफ से मांग सकता है इनकम टैक्स, यस यस यस, पर अगर प्रूव कर दे तो कि वो जाने वाला अपना जो प्रॉपर्टी पैसा इसके पास छोड़ गया है, तो वरना लाइबल वाइफ नहीं है देने के लिए। तो इनकम टैक्स को पता लगा खतरा है, कमा कमा के भाग जाए, तो इनकम टैक्स ने कहा कि अगर आपका टैक्स साल का 10,000 से ऊपर बनता लगता है तो यू हैव टू पे एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स देना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा करके, आपको किश्तों में साल के अंदर देना पड़ेगा। 15 जून को दे दो कुछ, 15 सितंबर को कुछ, 15 दिसंबर को कुछ, 15 मार्च को, किश्तों में लेते हैं। 15 जून को कहते जी तू पूरे टैक्स का लगभग 15% दे दे, 15 सितंबर तक कितने पूरे कर दे 45, 15 दिसंबर तक कितने पूरे कर दे 75%, और 15 मार्च प्रीवियस ईयर में कितने कर दे पूरे, मान लो अंदाजा आपका टैक्स 20,000 बनना है, साल के 2.5 महीने गए अभी अप्रैल में और 15 दिन किसके जून के, सारे साल के अंदाजन टैक्स का कितना बढ़ दे 15%, 20,000 बनता है तो कितने बढ़ दे 3,000, फिर 15 सितंबर तक कितने महीने गए साल के, करीब करीब 5.5 महीने, अप्रैल में जून जुलाई अगस्त और 15 सितंबर 5.5 महीने, कितना अंदाजा साल का, कहता जी अब अंदाजा मेरा बदल गया सर, 30,000 कमा लूंगा साल में, 30,000 का 45% कर दे पूरे, कितना होगा 30 का 45 13,500, जो पहले बने काट के बाकी फिर और दे दे, फिर और साल के अंदर ही ले लेंगे पूरा पूरा टैक्स साल के अंदर ही, अभी का भी दे, एज एंड व्हेन यू रिसीव यू हैव टू पे। फिर आपको के साहब उसका क्या हुआ जो आप कहते हो प्रीवियस ईयर का टैक्स कब बढ़ना पड़ता है असेसमेंट ईयर, वो कहता है वो 10,000 से कम टैक्स वालों के लिए रूल है, 10,000 से कम टैक्स वाले, 10 से ऊपर वालों का तो हम साथ ही साथ खींच लेते हैं पैसा, बाद में बंदा अंडरग्राउंड हो जाए, बात सही है। ऋषभ कहता साहब देखो अंदाजा कैसे बताएं हम, 15 जून में रोक लेते हो आप, साल के अभी 2.5 महीने हैं, अभी तो दुकान साल की शुरुआत हुई है, अब कैसे अंदाजा लगे सारे साल में क्या कमा लूंगा। सरकार कहती है तो तेरे को पता है दुकान तेरी है, कह सर मेरे तो अंदाजा है 15 जून तक कुछ भी नहीं कमाऊंगा, 15 सितंबर तक भी कुछ नहीं कमाऊंगा, टैक्स लगेगा ही नहीं, 15 दिसंबर तक भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, मान लो कमाई सारी लास्ट में आ गई हो, इनकम टैक्स कहते ये ड्रामा नहीं चलेगा, कल को तेरा टैक्स ज्यादा बना तो तुझे किससे देना पड़ेगा, ये इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा, बीच बीच में भरा क्यों नहीं। क्लियर, अंदाजा होना चाहिए, दुकानदारी करते हो कैसे कैसे कितना कमाओगे, थोड़ा ज्यादा बढ़ गए टैक्स वापस दे देंगे तेरे को, इंटरेस्ट से बचना है तो, पर 2-3 कमाइयों का इनकम टैक्स कहता है चलो हम नहीं ध्यान देंगे, जब आएगा कंफर्म तब भर देना। लॉटरी, लॉटरी पता होती आएगी, वो तो अचानक कभी भी लग जाती है, लेकिन जो बंदा बिजनेस कर रहा है नौकरी कर रहा है या कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है उसको तो अपना आइडिया लगाना होगा टैक्स का, अगर 10,000 से ज्यादा बनता है तो आपको कैसे देना है, धीरे धीरे साल के अंदर ही देना है, जिस साल कमा रहे हो उसी साल देना है, नहीं दिया 1 रुपया नहीं दिया साल के अंदर, बाद में आपका टैक्स बन गया 25,000, तो इस पे क्या देना पड़ेगा आपको इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा ये पूरा चैप्टर है, अभी नहीं जान सकते आप, एडवांस टैक्स वेट करनी होगी। समझ आया, बोलोगे डाउट,
194 BEC, उसमें चैप्टर में सेक्शन है, चलो पढ़ेंगे। तो इनकम टैक्स का एडवांस टैक्स और टीडीएस क्या है ये आप डिटेल में पढ़ लोगे, और फाइनेंस एक्ट रेट बताता है, कुछ रेट स्पेशल वाली भी हैं वो भी बात करेंगे अपन, अभी बिल्कुल बिगनिंग स्टेज पे नहीं। पर्सन पे टैक्स लगता है सेक्शन, कल बताया था सेक्शन 2 क्लोज 31, पर्सन कितनी तरह के वो अभी बात कर रहा हूं। तो सेक्शन 4 में बेसिक प्रिंसिपल से कुछ समझ आ गए, कुछ समझ आ जाएंगे। फिर है सेक्शन 29, सेक्शन 2 क्लोज 9 किसका, असेसमेंट ईयर कौन सा साल है, कल भी बताया, इन विच यू पे टैक्स, जिसमें आप टैक्स देंगे। प्रीवियस ईयर सेक्शन याद रखना सेक्शन 3, ये कौन सा साल है, इन विच यू अर्न इनकम, जिसमें कमाओ टैक्स कब दो, असेसमेंट ईयर, जनरली तो यही पढ़ा जाता है, बाकी आपको पता है 10,000 से ऊपर के केस में ऐसा सीन नहीं है, उसी साल ले लेते हैं एडवांस में, ठीक है। तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका प्रीवियस ईयर जो कि PY 23-24 है, और असेसमेंट ईयर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 24-25 है। अभी आप कमा रहे हो, कब खत्म होगा ये साल प्रीवियस ईयर, बोलो, फर्स्ट अप्रैल 23 से मार्च 24 कमाओ आराम से, इसमें जो कमाओगे उस पर टैक्स भरने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा हिसाब किताब करने के लिए, तो आपको इनकम टैक्स कहता है, ये आपका प्रीवियस ईयर है, इसकी इनकम टैक्स की जो रिटर्न जाएगी जिसमें हिसाब किताब जाएगा पूरा, 31 जुलाई 24 लास्ट डेट है, आपको कितना टाइम मिल जाएगा, 4 मंथ्स, अप्रैल में जून जुलाई, साल खत्म कब होगा आपका, 31 मार्च 24, आराम से कितने टाइम मिल जाएगा, 4 मंथ्स 31 जुलाई तक का, अप्रैल में जून जुलाई, हिसाब किताब करके अपने अकाउंट बना के, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको टाइम लगता है ना हिसाब किताब बनाने, बनाओ जो भी हिसाब किताब करके, टैक्स पहले भर दिया और भरना है भर दो, टीडीएस कटा है बाकी भर दो, रिफंड लेना है तो रिटर्न भर के रिफंड ले लो, तो आपको रिटर्न मतलब इनकम टैक्स को लिख के दे दो ऑनलाइन कितनी इनकम है, ठीक, तो वो रिटर्न कब तक जाएगी, 31 जुलाई नॉर्मली, ठीक है। और सीए साहब से ऑडिट होती है, अगर किसी की सीए ऑडिट का केस है तो आपको टाइम थोड़ा और दे देते हैं, आप 30 सितंबर 24 तक अपनी रिटर्न फाइल कर देना, कितने महीने मिल गए, 6, क्योंकि सीए ऑडिट करेगा वो भी तो टाइम लगाएगा, तो आपको रिटर्न भरने के लिए ऑडिट केस में 2 महीने और दे देते हैं, कौन से, अगस्त और सितंबर और दे दो, ऑडिट के लिए टाइम होता है, वैसे 30 सितंबर इसकी रिटर्न भरने के लिए तो टाइम 31 अक्टूबर ही दे देती है सरकार, पर नॉर्मली जब ऑडिट ही होगी 30 सितंबर तक रिटर्न भरना क्या मुश्किल है, फिर इसमें नॉर्मली सरकार कहती है 31 अक्टूबर तक रिटर्न भर दे, 6 महीने में ऑडिट करवा, 1 महीना और ले ले ऑडिट के बाद रिटर्न भरना, 2 अलग अलग बातें, ऑडिट करवाना तो मतलब सीए चेक करके अपनी रिपोर्ट दे देगा इनकम टैक्स को कि इसका ये डाटा मैंने चेक कर दिया है, मेरे अकॉर्डिंग इनका टैक्स इतना बनता है, अब आप अपनी रिटर्न भरो, उसमें दिखाओ टैक्स भर दिया मैंने नहीं भर दिया, वो तो वो 1 महीना और 31 अक्टूबर तक यू कैन फाइल योर ऑडिट केस रिटर्न, और सीए साहब ऑडिट कब तक कर देंगे, 30th, तो जनरली होता क्या है लोग ऑडिट करवा लेते हैं उसके साथ के साथ ही रिटर्न फाइल कर देते हैं। अब आपके माइंड में आएगा ऑडिट किसकी होती है, इसके लिए ना बहुत डिटेल में टॉपिक है, 44AB सेक्शन है, हम आगे पढ़ेंगे बिजनेस में 44AB, वो कहता है आम आदमी के केस में अगर आपकी सेल 1 करोड़ से ज्यादा एनुअल यू हैव टू गेट ऑडिटेड योर अकाउंट, या आपकी फीस 50 लाख रुपए पर एनम से ज्यादा, आप डॉक्टर हो, सेल तो करते नहीं, डॉक्टर हो, एडवोकेट हो, टीचर हो, प्राइवेट कोचिंग, तो आपकी फीस अगर 50 लाख एनुअल से ज्यादा आ गई तो यू हैव टू गेट ऑडिटेड योर अकाउंट, या आप दुकानदार हो, आपकी सेल कितने से ज्यादा होगी, 1 करोड़ से, तो आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी, लेकिन इससे कम है दुकान की सेल, इससे कम तब भी आपके नेट प्रॉफिट लेस देन 8% और 6% ऑफ सेल है तो भी ऑडिट करवाओ,
मान लो पीयूष कहता है जी मेरे बिजनेस की सेल 90 लाख है, बच गया, 1 करोड़ से नीचे ना बच गया, पर तुम्हारे प्रॉफिट इससे कम नहीं होने चाहिए सेल का, 8% अगर कैश सेल है तो, और अगर सेल बाय ऑनलाइन पेमेंट मोड तो कितना, 6%। भाई मान लो पीयूष कहता है पीयूष की जो दुकान के बिजनेस की मतलब सेल है 90 लाख, 1 करोड़ से कम है ना, बच गए ना। सरकार कहती है भाई तेरे प्रॉफिट बता कितने हैं, नेट प्रॉफिट, सारी सेल कैश करता है, नेट प्रॉफिट कह रहा है भाई सब 4 लाख ही कमाया बस। तो 90 लाख का 8% मिनिमम कितना होना चाहिए, 7-20। तू कह रहा है कितने कमाए, हाउ इज इट पॉसिबल, समाज सेवा करते क्या, बहुत कम कमाए, तो तुझे सीए से क्या करवानी पड़ेगी। अगर ये कहता है मैं सारी सेल क्या करता हूं वो नेट बैंकिंग के थ्रू ऑनलाइन मोड से, तो भैया 6% रहना चाहिए, 90 लाख का 6% कितना आ जाएगा, इससे कम बताओगे तो क्या करानी पड़ेगी, ऑडिट करेगा सीए, रिपोर्ट देगा, फीस लेगा आपसे, और आपकी ऑडिट के बाद ही रिटर्न भरी जाएगी, वरना। समझाया? एक स्टूडेंट कहता है थोड़ी मिक्स सेल करता हो, थोड़ी कैश और थोड़ी ऑनलाइन, तो उस प्रोपोर्शन कर लो, मान लो 60 लाख की सेल क्या है कैश, 30 लाख की सेल क्या है ऑनलाइन मोड से, 60 लाख का 8% कर लो, 30 लाख का 6% कर लो, इतना आना चाहिए, इससे कम है तो आपको क्या करानी पड़ेगी, ऑडिट। और जो प्रोफेशनल लोग हैं, मैं अपनी बात करूं या कोई एडवोकेट की बात करूं, आर्किटेक्ट की, हेयर ड्रेसर, सर्विस प्रोवाइडर, वो कहता है जी मेरी फीस जो है 30 लाख है, वो एक बंदा कहता है, बच गया 50 लाख से कम है ना, लेकिन तेरा प्रॉफिट बता फाइनल क्या है, फाइनल प्रॉफिट कह रहा है जी 9 लाख रुपए है, गलत गलत, मिनिमम कितना आना चाहिए, मिनिमम तेरा प्रॉफिट आना चाहिए 50%, 30 लाख का 50% कितना, इतना कम से कम क्या है आना चाहिए, तेरे कितने प्रॉफिट है, 9 लाख, क्या करवा, ऑडिट, फिर तेरी रिटर्न बढ़ी जाएगी। समझ आया ये, तो कब लास्ट डेट है, अब आपको ये समझ आ गया प्रीवियस ईयर क्या होता है जिसमें अर्न करेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर कौन सा है, 23-24, स्टार्टेड फ्रॉम 1st अप्रैल 23, एंडेड ऑन 31st मार्च 24, और असेसमेंट ईयर सेक्शन 3, वो कहते हैं इन विच यू आर लाइबल टू फाइल योर रिटर्न, लाइबल टू पे योर टैक्स, दैट इज असेस, जिसमें असेसमेंट होगा आपकी इनकम का भी और आपके टैक्स का। तो अगले साल क्या होगा, अगले साल स्टूडेंट पढ़ेंगे 24-25 प्रीवियस ईयर होगा, और 25-26 क्या होगा, असेसमेंट। ये जो बजट आया है 24, ये प्रीवियस ईयर 24-25 के लिए है, अगले साल के स्टूडेंट के काम आएगा। अभी मैं एक जगह सेमिनार लगाने गया कारियां के आसपास, एक जगह पे गवर्नमेंट स्कूल था वहां, तो वहां के ये बजट को लेकर डिस्कशन कर रहे थे लोग, कहते सर हमारा ये माफ हो गया ये, तो मैंने उनको कहा भाई अगले साल का है, इसको मत देखो, ये अगले साल जो रिटर्न भरोगे उसमें काम आएगा, जो आपने अब रिटर्न भरनी है 24 जुलाई तक, वो तो 23-24 की भरनी है, वो बजट तो पिछले साल का आया हुआ 23 का, उसके हिसाब से भरनी है, ये वाला तो अगले साल काम आएगा, अभी तो रिटर्न आप 23-24 की भरोगे प्रीवियस ईयर की, जिसका बजट तो कब आया था 23 में। क्लियर? ये वैसे भी इंटरिम बजट है, फाइनल बजट तो जून में होगा, वैसे इसी को थोड़ा चेंज करके फाइनल आ जाएगा, नई सरकार जो बनेगी वो फाइनल करेगी, यही फाइनल है। वैसे एक बात बताओ, प्रीवियस ईयर कितनी देर का होता है नॉर्मली, 12 मंथ, लेकिन अगर बिजनेस इस साल के बीच में शुरू हुआ हो तो आपका प्रीवियस ईयर क्या हो सकता है, पहला प्रीवियस ईयर लेस देन 12 मंथ। बंदे ने न्यू बिजनेस ही, पहले क्या था, स्टूडेंट था, स्टूडेंट था, कोई कमाई नहीं करता था, कोई रिटर्न नहीं भरता था, पेरेंट्स पे डिपेंडेंट था, अब उसने 1st अगस्त 23 में बिजनेस सेटअप कर लिया नया, तो उसका साल खत्म कब होगा, मार्च 24, तो कितने महीने का प्रीवियस ईयर है उसका, प्रीवियस ईयर तो 8 मंथ्स का ही है, वेरी फर्स्ट प्रीवियस ईयर लेस देन 12 मंथ्स हो गया, अगले साल तो सिंपल अप्रैल टू मार्च ही चलेगा, समझ गए,
उस केस में प्रीवियस ईयर लेस देन 12 मंथ्स हो सकता है, या बंदा इंडिया छोड़ गया हमेशा के लिए, इंडिया से माइग्रेट हो गया, इनकम टैक्स है तो ठहर, ऐसे कैसे जाएगा? टैक्स का हिसाब किताब दे, पहले तो क्या लेनी पड़ती है? एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वीजा ऐसे कैसे हो जाएगा? सारा हिसाब किताब दे तेरा, पैन नंबर डाल के एम्बेसी वाले भी देख लेते हैं, कहीं नीरव मोदी या विजय माल्या की तरह भाग जाए छोड़ के, टैक्स दिए भी ना, एनओसी लेनी पड़ती है। तो चलो, आपको इंडिया छोड़ के जाना है, मान लो 1 फरवरी 2024 में लीव इंडिया, लीव इंडिया से मतलब मेरा किससे है, मतलब आपका वीजा परमानेंट है, एम्प्लॉयमेंट वीजा पे जा रहे हो। एक होता है टूरिस्ट वीजा, 4 दिन बाद वही निकाल फेंकेंगे आपको, क्योंकि 4 दिन 8 दिन 7 दिन का वीजा है, उसके बाद तो वो भी नहीं रुकने देंगे, तो वो वीजा तो आप गए और आ जाओगे, उसमें नहीं कह रहा मैं, कह रहा हूं आपका वीजा कौन सा लगा है, एम्प्लॉयमेंट वीजा परमानेंट, जा रहे हैं आप देश छोड़ के, अब आओ ना आओ, और यहाँ के गए लाने साने क्या, यहां से चला गया और वहां से लाना टैक्स, बैठे आराम से घूम रहे हैं वो, हमने देखा होगा वो वहां पे सिस्टम ऐसा है, वहां की कोर्ट में चल रहे हैं कि वो इंडिया वाले होते तो पकड़ लेते। तो कहने का मतलब इनकम टैक्स टैक्स लिए बिना जाने ही नहीं देगा, कहेगा तेरा हिसाब किताब अभी कर ले, तेरा प्रीवियस ईयर कब से कब का मान ले, 1 अप्रैल 2023 से शुरू हुआ, 1 फरवरी 2024 जा रहा है, 10 महीने काम काज किया तूने, इस 10 महीने का हिसाब किताब बना के ले आ, टैक्स भर और जा, समझे, हिसाब लेके जाने देंगे, क्लियर है? पता लगे प्लेन पे बैठ गया था वहां से उतार लाए, ऐसे हुए हुएंगे भाई, डाउट हो कोई सरकार का हिसाब किताब बाकी हो, कोई पुलिस केस पेंडिंग हो, तो ऐसा हो जाता है, उतार लाते हैं। चलो, तो आपको प्रीवियस ईयर समझ आ गया, असेसमेंट ईयर समझ आ गया, ठीक है, सेक्शन 2.9 प्रीवियस ईयर, सेक्शन 3, तो प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर 2.9 असेसमेंट, 3 प्रीवियस ईयर, सेक्शन 4 रूल्स बताता था, बेसिक प्रिंसिपल्स, ओके। नेक्स्ट आ गया ये पर्सन पे, ऊपर आया था ना टॉपिक पर्सन, पर्सन जो होता है, पर्सन सेक्शन 231 में कवर होता है। वैसे ना इंग्लिश लैंग्वेज में तो आप कहते ना अच्छा पर्सन है, कह देते ना बहुत बढ़िया पर्सन है, इंग्लिश वाला पर्सन नहीं है ये, ये पर्सन से मतलब इनकम टैक्स वाले पर्सन। 7 तरह के पर्सन यहां पढ़ने जा रहा हूं। पहला है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल से मतलब समझ गए प्रोप्राइटर, अकेले हो आप मालिक, तो प्रोप्राइटर कौन होता है, इंडिविजुअल। इनकम टैक्स की दुनिया में उसे नाम क्या दिया जाएगा, इंडिविजुअल। जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न भरोगे ना, तो डिपार्टमेंट आपसे पूछेगा टाइप ऑफ असेसी बताओ, तो आप वहां क्या क्लिक कर देंगे, इंडिविजुअल, यानी आप कौन है, प्रोप्राइटर, कमाया उस पे टैक्स भरो। फिर आता है एचयूएफ, बहुत अच्छे से जानते हैं एचयूएफ कौन है, क्या होता है एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, नाम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, लेकिन इसमें सब आते हैं, चाहे वो सिख फैमिली हो चाहे क्रिश्चियन हो, इंडिया में ज्वाइंट फैमिली बिजनेस आप करते हो तो आपको इनकम टैक्स क्या नाम देता है, एचयूएफ। एचयूएफ में कौन होता है, एक हेड, जिसे क्या बोलते हैं, कर्ता या मैनेजर ऑफ द फैमिली, उसकी ड्यूटी है फैमिली जो कमाएगी उसका हिसाब करके प्रीवियस ईयर में जो कमाया टैक्स बढ़े, तो आपको ज्वाइंटली क्या नाम दिया जाएगा, एचयूएफ, ओके। जब भी मैं इनकम टैक्स में फर्म वर्ड लूंगा, फर्म मेरा मतलब वही है पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप कौन सी, चाहे वो 1932 एक्ट वाली हो या 2008 वाली एलएलपी, या पार्टनरशिप 1932 वाली हो, एक ही बात है, तो वो पार्टनरशिप वही जो आपके माइंड में है। तो पार्टनरशिप एक अलग टाइप का सेसी है, आप 5 लोग पार्टनर हो, बिजनेस कर रहे हो, 5ों को नाम दिया जाएगा क्या, पार्टनरशिप। आप 5ों उस दुकान से जो कमाओगे उस पे टैक्स अकेले अकेले नहीं दोगे, टैक्स कौन देगा, कलेक्टिवली, पार्टनरशिप फॉर्म, जो बचेगा बांट लेना। क्या उस पे दोबारा टैक्स भरोगे आप लोग, नहीं नहीं, क्योंकि उस पे टैक्स कौन दे चुका है, उस पे कम, ये पार्टनरशिप फॉर्म टैक्स दे चुकी है। पार्टनरशिप फॉर्म से पार्टनर को जो प्रॉफिट आएगा उस पे, क्योंकि टैक्स कौन दे चुकी है, पार्टनरशिप। मान लो आप लोगों ने कमाया 1,00,000 रुपए, इस पे टैक्स की रेट आगे लिखा आएगा, फॉर्म पे टैक्स की रेट है 30% फ्लैट।
अभी सरचार्ज और एजुकेशन से सोर है। रफ आइडिया ले लूं, लाख रुपए कमाया पंचों ने मिलके, कितना 1 लाख, कितना टैक्स लग गया रफ 30,000, कितना बैलेंस बचा 70। 5 पार्टनर है मान लो, रेशियो इक्वल है ए बी सी डी ई, कितना कितना बांट लिया 14,000 इन्होंने बांट लिया। बांट लेंगे, इस पे दोबारा टैक्स लगेगा नहीं, बर्बाद ही हो जाएंगे, तू यूं ही टैक्स देते रहे तो बचेगा क्या फिर? पहली 30%। हाँ क्या सर, वो मैंने सुना 5-10, वो तेरे लिए नहीं है, फर्म के लिए क्या है, सीधा 30-10 रुपए भी कमाएगी तो भी 3 रुपए का टैक्स है, कोई माफ नहीं है पार्टनरशिप के लिए, कुछ भी माफ नहीं है। क्यों है ऐसा, पढ़ेंगे आगे। एक्चुअल में फर्स्ट चैप्टर है ना, इसमें ना सारा कुछ वो भरा हुआ है जो आगे चैप्टर है पूरे पूरे वो पढ़ने हैं, तो जैसे जैसे पढ़ते चलेंगे आगे आगे वो चीजें कवर होती रहेंगी। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था ना आपने, अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने कोजी कॉन्ट्रैक्ट भी फर्स्ट में पढ़ लेते हो, कॉन्टीजेंट भी पढ़ लेते हो, ब्रीच वर्ड भी देख लेते हो, ठीक है, और वो बीच में वही फ्री कंसेंट की एब्सेंस वो भी, जबकि हर चीज पे आगे एक एक चैप्टर है, तो वो ब्रीफ में हर चीज फर्स्ट चैप्टर में आ जाती है। चलो इस पे ना एक सेक्शन आएगा, आगे लिखा भी आएगा 10(2)(a), सेक्शन 10 सब सेक्शन 2A, प्रॉफिट शेयर फ्रॉम फर्म। प्रॉफिट फ्रॉम फर्म क्या होता है? एग्जम्प्ट, क्योंकि वो ऑलरेडी टैक्स्ड है। पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को जो बचा हुआ प्रॉफिट का शेयर आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी टैक्स्ड है, नॉट टू बी टैक्स्ड अगेन, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर है बात? हाँ, नवरत्न एक पार्टनरशिप से प्रॉफिट ले रहा है वो तो छोड़ो, उस पर टैक्स नहीं, पर पर्सनल लाइफ में और भी कोई बिजनेस कर रहा है, पैसा कमा रहा है, उस पर इंडिविजुअली टैक्स देगा, वो तो देगा ही। जो पार्टनरशिप कमा रही है उस पर पार्टनरशिप देगी, जो पर्सनल लाइफ में कोई और काम कर रहे हो उस पर कमा रहे हो उस पर आप खुद दोगे टैक्स, पर फर्म पे आए हुए पैसे पे प्रॉफिट पे आप टैक्स दोबारा नहीं देंगे। तो थर्ड इसमें एक टाइप ऑफ एसएससी है कंपनी। कंपनी का मीनिंग तो आप समझते ही है, वही कंपनी एक्ट 2013 वाली कंपनी। ये कंपनी फॉरेन कंपनी भी हो सकती है और इंडियन डोमेस्टिक कंपनी भी हो सकती है। फॉरेन कंपनी पे तो टैक्स 40% है, इन पे टैक्स कितना है 30। फॉरेन कंपनी से बहुत टैक्स लेती है सरकार, 40%। डोमेस्टिक कंपनी जो हिंदुस्तान में बनी उनसे कितना लेती है 30। एक फॉरेन कंपनी भी क्या इंडिया में 30% दे सकती है? जो फॉरेन में रजिस्टर्ड हुई आप अपना सारा कुछ उठा के इंडिया आ जाओ, मींस हेड ऑफिस इंडिया में बना लो, मीटिंग्स इंडिया में करो, शेयर होल्डर का सारा रिकॉर्ड इंडिया में रखो, यानी सारा कुछ कहां ले आओ अपना इंडिया में, तो देन यू विल बी ट्रीटेड एज डोमेस्टिक कंपनी। फॉरेन की कंपनी को भी क्या मान लिया जाएगा? डोमेस्टिक, और आप पे टैक्स कितना लग देगा फिर? पर ये जो बातें इतनी आसान कहां है कि आप इंडिया ले आओ, पता लगे इंडिया ले आओ, हालत आपको पता ही है, पता लगा उनके ऑफिसर को घेर के बैठ के कहीं आग लगा दी, कहीं सरकार ने कह दिया भी तुम्हें इस कैटेगरी के लोगों को रिक्रूट करना पड़ेगा कोटा, मतलब बड़ी दिक्कतें आप समझो ना इंडिया में जो ये सब हो रहा है ना, कभी भारत बंद तो कभी कुछ कभी कुछ, इन चीजों से इंटरनेशनली इमेज हमारी खराब होती है। 5-6 साल पहले हरियाणा में जबरदस्त आंदोलन हुए, प्राइवेट प्रॉपर्टीज को आग लगा दी, एक कास्ट के लोगों ने दूसरी कास्ट के लोगों की प्रॉपर्टी को आग लगा दी, पता कम्युनिटी हुआ था, नाम लेना ठीक नहीं है, रिकॉर्डिंग हो रही है, तो आप देखो उससे इमेज तो खराब होती है ना लोगों के माइंड में, तो यही जाएगा भी इंडिया में हो क्या रहा है, भैया किसी की प्रॉपर्टी को दूसरी कास्ट वाले आग लगा रहे हैं, उससे इमेज गलत होती है, फिर उससे क्या है उधर बिजनेस आएगा ही नहीं, भाग जाएंगे लोग छोड़ के बिजनेस। इसी आसान नहीं है, इंडिया में आके आप अपना हेड ऑफिस बना लो, मीटिंग इंडिया में करो, पता लगे मीटिंग में एयरपोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाया कोई, हालत ऐसी हो जाती कई बार। पीछे जब किसान आंदोलन था, शादी पे जा रहा था, सारी बरात रोक ली उन्होंने, दूल्हा का रिक्वेस्ट कर रहा जोड़ के मेरे को जाने दो शादी यार, सारा प्रोग्राम सेट है, तू निकल ले, बाकी यहीं छोड़ जा यहाँ वाले, कह तू चला जा। अब वो शादी में अकेला कहे तो क्या तू जाएगा आगे जाके क्या कहेगा, तो ये हालत बड़ी दिक्कत हो जाती है। चलो तो इसलिए इंडिया में सेटअप करने बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो देखो इंडिविजुअल हो गया, एक फर्म होगी पार्टनरशिप फर्म, एचयूएफ कंपनी का मीनिंग आपके माइंड में क्लियर है, 4 तरह के पर्सन हो गए। अब आता है एओपी या बीओआई, ये क्या है? नाम से देखो क्लियर है, एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल।
क्या हुआ, पार्टनरशिप किए बिना मिलके काम करना शुरू कर दिया आप लोगों ने, विदाउट हैविंग पार्टनरशिप डीड। तो आप लोगों के ग्रुप को, आपके लोगों के एसोसिएशन को पार्टनरशिप फॉर्म तो कह नहीं सकते, आपके ग्रुप को क्या नाम दिया जाएगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिया। ये पांच लोग इकट्ठे होकर यही काम करना है, ये बिजनेस करना है, आप पकड़ लेते हैं। पांचों ने, किसी ने 2 लाख डाल ले, किसी ने 1 लाख शुरू, माल खरीदा बेचना शुरू, पांचों ने साल के एंड में 15 लाख रुपए मिलजुल के कमा लिया। तो आप पांचों पे टैक्स कैसे इंडिविजुअली लगेगा, नहीं, आप पांचों के ग्रुप को क्या नाम दे देते हैं, इनकम टैक्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अगर आप इंडिविजुअल हो, कर ले ह्यूमन बीइंग हो, तो आपको क्या नाम दिया जाएगा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। लेकिन अगर एक कंपनी और एक इंडिविजुअल मिल गए, कंपनी प्लस इंडिविजुअल मिलके कोई काम कर लेते हैं, तो ये क्या है, एओपी। एक कंपनी और एक एचयूएफ मिलके कोई काम धंधा करने लगे, तो ये क्या है, एओपी। अगर राम एक श्याम एक शिव ये इकट्ठे हो रहे हैं, और एक और ले लो, चार लोग इकट्ठे हो गए विदाउट हैविंग पार्टनरशिप डीड, बिना डीड के, इन चारों के ग्रुप को क्या नाम दिया जाएगा, ये क्या है, बॉडी ऑफ। समझ आया, यू विल बी कॉल्ड एज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी मिलके 100-100 लोग 150 लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी क्या है, इसी कैटेगरी में आती है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या एओपी में। क्लियर। ये जो ट्रस्ट होते हैं, ट्रस्ट सुना होगा, जितने भी ट्रस्ट हैं वो सारे इसी कैटेगरी में आते हैं, ट्रस्ट। तो देखो ट्रस्ट सुना आपने, ट्रस्ट, जैसे अगरसैन स्कूल का ट्रस्ट, सीएमके का ट्रस्ट, ट्रस्ट बने होते हैं ना, ट्रस्टीज होते हैं उसमें, ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। वैसे इनका मेन मोटिव पैसा कमाना होता नहीं, पर ये कमा फिर भी लेते हैं, तो इनको एओपी और बीओआई बोलते हैं, एओपी और बीओआई। क्लियर, क्योंकि ये पार्टनरशिप फॉर्म नहीं। अब सुनना एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके रिगार्डिंग, अक्सर जो एओपी होते हैं ना वो फॉर्म्ड होते हैं, फॉर्म्ड विद प्लानिंग, वो तो प्लान करके बनेंगे। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ अपने आप भी बन जाते हैं। जैसे सुनना, एक बिजनेस था जिसका प्रोप्राइटर राम प्रकाश था, बिजनेस था जिसका प्रोप्राइटर कौन था, राम प्रकाश, जिसके तीन लड़के हैं, तीन लड़के हैं इसके। थोड़े दिन बाद क्या हुआ, राम प्रकाश अचानक क्या हो गया, एक्सपायर, चला गया दुनिया से। वो बिजनेस नौकर संभाल रहे हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली उस बिजनेस के मालिक कौन बन गए, ओनर कौन बन गए, ये तीनों लड़के। अब वो दुकान नौकरों के सहारे चल रही है, जो प्रॉफिट आएगा उस दुकान का उस पर टैक्स कौन देंगे, ये तीनों भाई। इन तीनों को नाम क्या दिया जाएगा, थ्री सन्स पे प्रॉफिट चार्ज बाय इनकम टैक्स, कितना ऑन थ्री सन्स। इन तीन भाइयों को क्या नाम दिया जाए, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। क्लियर, बाय लो इकट्ठे हो गए, वैसे तो कहते हैं आपस में झगड़ा इनका, आप टैक्स देने के लिए क्या है, इन तीनों की लाइबिलिटी बनेगी उस दुकान के प्रॉफिट पे टैक्स देने की। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है क्या, कि सर ये तो एचयूएफ नहीं है, एचयूएफ होता तो फिर ये एचयूएफ की तरह टैक्स देते, एचयूएफ अपने आप थोड़ी बनाने में है, एचयूएफ बना रखा है क्या पहले से, अग्रीमेंट कर रखा है भैया राम प्रकाश और इसके तीन बेटे लड़कियां उसकी वाइफ, ये सब एक सांझा बिजनेस है एचयूएफ, जिसका कर्ता राम प्रकाश है। राम प्रकाश मर गया तो उसका कर्ता किसको बना दिया जाएगा, बड़े बेटे को, अक्सर ऐसा होता है। तो फिर ये तीनों कैसे टैक्स देंगे एज अ एचयूएफ, पर इन्होंने एचयूएफ बना ही नहीं रखा, तो इन तीनों को एचयूएफ नाम नहीं देंगे, इन तीनों को क्या नाम देंगे फिर, बॉडी ऑफ। लेकिन क्या एक कंपनी और एक एचयूएफ, एक कंपनी और एक फर्म ऑटोमेटिकली ऐसे कभी इकट्ठे हो सकते हैं ना, वो तो प्लानिंग करके इकट्ठे होंगे। मान लो कुणाल बहुत बड़ा बिल्डर है, बिल्डिंगे बनाना इसका काम है, सिरसा शहर में अच्छे लिंक है, सारे लोगों से अच्छी बनती है, इसकी एक्सपीरियंस पर्सन है,
रिलायंस वालों ने सिरथा में एक बहुत बड़ा ओवरब्रिज बनाना है। रिलायंस वालों को लगता है जी लोकल एरिया से हम वाकिफ नहीं है, नॉलेज नहीं है, कहां से माल लें, पॉलिटिकल लिंक भी नहीं। तो रिलायंस इंडिया ने, रिलायंस इंडिया लिमिटेड, इन्होंने कुनाल को अपने प्रोपराइटर था जो, कुनाल एक इंडिविजुअल को अपने साथ मिलाया, कहता है भाई अपन मिलके क्या है ये प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। तो कुनाल और रिलायंस इंडिया आपस में क्या है, एओपी, समझे? एक इंडिविजुअल और एक कंपनी मिल गए, एक फर्म और एक एचयूएफ मिल गई, ये क्या है, एओपी। फर्क पता लगा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एओपी में क्या है? टैक्स लगेगा। टैक्स कितना लगेगा, टैक्स की रेट के टॉपिक में पढ़ेंगे, समझाया? ठीक है, तो इस तरह से एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में डिफरेंस क्लियर हो गया, क्या फर्क है इनमें। ठीक, नेचुरली बनते हैं और वो बनाए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल वन दे रहा है, देखना क्या कह रहा है, कह रहा आर राम और आरएसटी लिमिटेड और एबी कंपनी फर्म, एक फर्म, एक कंपनी और एक मिस्टर राम, तीनों ने मिलकर पर्टिकुलर एक वेंचर यानी एक बिजनेस शुरू कर लिया, इसको क्या मानेंगे बाप, एओपी मानेंगे, एओपी मान लिया जाएगा, क्योंकि इनके बीच में कोई डीड वगैरह भी नहीं है, एओपी। इंडिविजुअल इकट्ठे हो गए, एक बंदा मर गया, उसके बच्चों के नाम, विडो के नाम बिजनेस आ गया, तो आपस में क्या माने जाएंगे, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, सेपरेट नहीं। मीरा एंड कंपनी वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स में ये डिसीजन था कि इन सबको सेपरेटली नहीं क्या माना जाए, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। क्लियर, तो कंसेप्चुअल डिफरेंस क्लियर हो गया कि भी इंटेंशनली बनाए जाते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, वॉलेंटरली कई बार नहीं होते, एओपी इंटेंशनली बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पे दोनों पे टैक्स की रेट सेम है, आप एओपी हो चाहे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आगे पढ़ेंगे रेट ऑफ टैक्स जो रूल है इंडिविजुअल वाला ही है, सेम है। आगे चलो, अब आ गई लोकल अथॉरिटी। हां जी, आपने कभी सुना है अंबाला कैंट, दिल्ली कैंट, सुना होगा ये वाला कैंट, वो वाला कैंट। कैंट यानी कैंटोनमेंट बोर्ड, एक अलग अथॉरिटी है, जैसे सिरसा म्युनिसिपैलिटी है, दिल्ली में क्या है एमसीडी, म्युनिसिपल कमेटी ऑफ दिल्ली, और बॉम्बे में क्या है बीएमसी। ये बड़ी कॉरपोरेशन है, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, बीएमसी, तो ये लोकल अथॉरिटीज है, यानी एक सरकार नहीं है पूरी तरह से, पर सरकार जैसी है। म्युनिसिपैलिटी क्या करती है बताओ, अपने लोकल म्युनिसिपैलिटी क्या करती है? हां जी, क्या काम है म्युनिसिपल कमेटी का, बोलो बोलो। म्युनिसिपैलिटी प्रॉपर्टी टैक्स लेती है, प्रॉपर्टी टैक्स आया होगा आपके घरों में भी, टैक्स, फायर ब्रिगेड टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स आया पड़ा, पर्चे आए पड़े जगह जगह, वो लेती है। और आपने कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करनी है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए मैप अप्रूवल करवाते हैं ना, मैप अप्रूवल, वो भी किससे करवाते हैं, म्युनिसिपैलिटी से। डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट भी कौन इश्यू करता है, म्युनिसिपैलिटी करती है ना, एक्सेट्रा, इस तरह के काम करती है। और ये पैसा लेती है, करती क्या इस पैसे से स्टाफ को सैलरी देती है, वैसे मेन सर्विस तो क्या, रोड, स्ट्रीट्स, वो मेंटेन करवाना, स्वीपर वगैरह रखे हैं उनकी सैलरी देना, पानी की कमी होगी तो वाटर सप्लाई करना, एटसेट्रा, ये सारे काम म्युनिसिपैलिटी के है ना। ये आपकी गली टूटी है कौन बनवाता है, म्युनिसिपैलिटी। और जो गली मोहल्ले में लाइटें चलती है, स्ट्रीट लाइट, वो भी, उसका बिल भी कौन भरता है, म्युनिसिपैलिटी। पानी ना है किसी एरिया में तो टैंक सप्लाई कौन कर रही है, म्युनिसिपैलिटी। तो इस तरह की सर्विस देती है, तो बदले में पैसे भी लेती है। गली में स्वीपर आता है, उसकी सैलरी कौन देता है, म्युनिसिपैलिटी, तो आपसे पैसे भी लेती है। तो म्युनिसिपैलिटी जो कमाएगी उस पर भी क्या लगेगा, टैक्स। ये क्या है, लोकल अथॉरिटी, लोकल लेवल पे गवर्नमेंट, एल ए, लोकल अथॉरिटी। ये कैंटोनमेंट बोर्ड क्या है, जैसे अंबाला कैंट, सुना होगा अंबाला कैंट, उसमें म्युनिसिपैलिटी नहीं, कैंटोनमेंट बोर्ड होता है, शॉर्ट में कैंट कह देते हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड क्या करता है, म्युनिसिपैलिटी कितना उसका जो एरिया कैंट का, वहां पे टैक्सेस लेता है, तरह तरह के चार्जेस लेता है, और साफ सफाई भी करवाता है, रोड पक्की करवाता है, बिल्कुल म्युनिसिपैलिटी वाला काम करता है। कौन,
कैंटोनमेंट बोर्ड। तो ये कह रहे ना लोकल अथॉरिटी, क्या होता है लोकल अथॉरिटी में? म्यूनिसिपलिटी गांवों में, पंचायत, कैंटोनमेंट बोर्ड, पोर्ट ट्रस्ट। आपको पता होगा पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी है पोर्ट की भी, ऐसी एयरपोर्ट पे जितने प्लेन लैंड करते हैं पर फ्लाइट चार्जेस है बहुत ज्यादा, वो लेता है पोर्ट। वहां प्लेन खड़े भी तो रहते हैं, नहीं तो वो कहेंगे लो अपने कोई गैराज में ले जाओ प्लेन, हम क्यों खड़े करवाएं, चार्जेस लेंगे, वो लेते हैं। तो तरह तरह की पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी चार्जेस लेती है, पोर्ट ट्रस्ट की कमाई है और वो पोर्ट भी तो बनवाती है, तो वो भी क्या एक लोकल अथॉरिटी। तो इसीलिए कभी एयर टिकट कैंसिल करवा लो ना तो बड़े पैसे बेकार चले जाते हैं, क्योंकि वो एयरलाइन कंपनी कहती है जो पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी को चार्जेस चले गए वो थोड़ी वापिस आएंगे, तो टिकट के बहुत कम पैसे वापिस आते हैं कैंसिल करवाने पे। चलो, पोर्ट ट्रस्ट, म्यूनिसिपलिटी, पंचायत या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और कैंटन बोर्ड, बोर्ड इन पे भी 30% फ्लैट टैक्स लगता है। 30% जो कमाएंगे इन पे भी 30% फ्लैट। फ्लैट का मतलब स्लैब नहीं है कि इतने तक 5%, इतने तक 10%, कुछ नहीं, सीधा 1,00,000 कमाया 30,000 टैक्स। फर्म पे भी कितना है? 30% फ्लैट। कंपनी पे इंडिया वाली पे 30% फ्लैट है, फॉरन वाली पे 40% फ्लैट। लेकिन जो इंडिविजुअल एचयूएफ और एओपी है ना, इंडिविजुअल कौन कौन? इंडिविजुअल यानी प्रोप्राइटर, एचयूएफ, एओपी या बीओआई, ये लोग कैसे टैक्स देते हैं? ये देते हैं स्लैब रेट से। आर्टिफिशियल पर्सन अभी पढ़ूंगा एजेपी, ये भी किससे टैक्स देता है? स्लैब, इतने तक माफ, इतने तक कितना, ऐसे स्लैब, स्लैब से टैक्स देते हैं। चलो लास्ट पर्सन, पहला प्रोप्राइटर, इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, एचएफ, एओपी या बीओआई और लोकल अथॉरिटी। लास्ट आर्टिफिशियल जुडिस्टिकल पर्सन। अब नाम से क्लियर है आर्टिफिशियल पर्सन, यानी जैसे कंपनी भी वैसे आर्टिफिशियल है, पर कंपनी की कैटेगरी अलग है। क्या? कंपनी के नाम से। लेकिन कंपनी के अलावा आर्टिफिशियल पर्सन है जैसे यूनिवर्सिटी, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, इनमें भी जो बच्चों से पैसे लेते हैं, खर्च करते हैं, जो बचा उस पे क्या है? टैक्स। मैनेजमेंट कमेटी ऑफ श्राइन बोर्ड, माता वैष्णो देवी कौन कौन गया आप में से? गए तो वहां फैसिलिटीज है ना, अब जगह जगह क्या है, वॉशरूम बने हुए हैं, जगह जगह पे क्या है, हेल्प डेस्क है, और बैठने के लिए थक गए पैदल जाते जाते तो बेंचेस लगे, वो सारा कौन कर रहा है? माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है। श्राइन बोर्ड क्या करता है? भक्तों से चंदा आता है, चढ़ता है ना वहां पैसा, चंदा आता है और आप पे लगाता है, उस पे भी जो बचा क्या है? साला सर जाते हैं वहां चंदा चढ़ता है और जो खर्चा भी करते हैं वो, जो बचा उस पे क्या है? लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, बहुत कम लोग इंडिया में टैक्स देते हैं और इनसे पंगा, मतलब इनको कोई इनकम टैक्स ऑफिसर जो है वो नोटिस काट देगा मंदिर वालों को, गुरुद्वारे वालों को, या कोई ऐसे श्राइन बोर्ड को कि भैया हिसाब दो। उन्होंने तो मिनट में कहना, भैया बालाजी को परेशान कर रहे हैं, माता को परेशान कर रहे हैं, और इनकम टैक्स का खेल खराब कर देंगे लोग। इसलिए चल रहा है ठीक है। आप कई मंदिरों में, गुरुद्वारों में, कई चर्च में, एक स्पेसिफिक नहीं, कई जगह ऐसा होता है, प्रसाद लेते हो, पैसे देते हो, 50 रुपए दिए, वो छोटे वाला बाउल, ये वाला बाउल, ठीक है, आपने 100 रुपए दिए, बड़े वाला बाउल, आपने 500 रुपए दिए, बुरा डिब्बा। तो ये क्या है? ये प्रसाद की सेल नहीं है क्या? सेल है ना प्रसाद की? प्रसाद कोई भी तरह का हो सकता है, वो मखाने आते हैं या बर्फी हो सकती है या हलवा हो सकता है, किसी भी तरह का, चावल का हो सकता है, कोई भी तरह का। सेल हो रही है कि नहीं? जब सेल हो रही है, आप पैसा ले रहे हो सामने वाले से, तो यू आर लाइबल फॉर जीएसटी, लाइबल हो के नहीं? जीएसटी लगना चाहिए मंदिर पे, गुरुद्वारे पे, चर्च पे, और जो भी है मॉस्क वगैरह में लगना चाहिए। नहीं देते टैक्स। वो क्या करते हैं? वो कहते हैं प्रसाद बेच ही नहीं रहे। वो तो क्या कहते हैं? कहता अभी 50 रुपए आपने दिए, 50 रुपए की जो स्लिप देते हैं ना, वो डोनेशन की स्लिप देते हैं, वो कई जगह डोनेशन की स्लिप, के भक्त ने क्या किया, दान, मंदिर को दान दिया, ये कोई बेचा थोड़ी है प्रसाद। प्रसाद तो हम देते हैं, जो भी भक्त आए, पैसे दे ना दे उसको भी देते हैं, वैसे प्रसाद दिया है। क्या ये वैसा प्रसाद है? वैसा प्रसाद होता तो क्वांटिटी कम ज्यादा होती,
ये बड़े वाला डिब्बा दिख रहा है, ये वाला जिसने 500 दिए, अगर ये कम ज्यादा हो रहा है तो ये डोनेशन कहां से हुई? ये सीधा सीधा क्या है? प्रसादगी सेल। और जब आप प्रसाद के पैसे ले रहे हो तो हमारे पैसे क्यों नहीं लेते? जीएसटी वाले कहते हैं प्रसाद के पैसे ले रहे हो और हमारे पैसे छोड़ रहे हो, हमारे भी ले लो, टैक्स है। पर वही बात है, अपने गले में घंटी कौन बांधे, कौन ऑफिसर पंगा ले, वक्त भड़क जाएंगे। तो टैक्स बहुत कम लोग दे रहे हैं, वरना इस पे भी क्या है, टैक्स। अब तो हिंदुस्तान में मंदिरों का भी बिजनेस है, आने वाले टाइम में ये होगा। वो एक बंदा किसी को कहा, यार सोच रहा हूं इसको एक मंदिर खुलवा देता हूं, वहां पे जगह पड़ी है अपनी, बच्चे को सेट हो जाएगा। रियल में, क्योंकि आने वाले टाइम में क्या है, देखो लड़ाई तो इंडिया में है ही है, पैसे देखो हर जगह है, कोई भी धार्मिक संस्था किसी भी रिलीजन की, वहां पैसा मैटर तो करता ही, आपको पता है। कुछ एक एक्सेप्शंस हैं, अदरवाइज वहां ये है कि जो पैसे ज्यादा देता है उसका अच्छा मान सम्मान कर देते हैं, लाइन में आगे नंबर लेते हैं, उसको अंदर बुला के भी पूजा करा देते हैं, और जो पैसे नहीं देता वो पीछे पीछे खड़ा रहता है, ऐसा है ना। तो ये बिजनेस ही हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनी, नाम नहीं लूंगा रिकॉर्डिंग के बाद नाम लूंगा, तो इंडिया में बड़े बड़े ग्रुप ऑफ हाउसेज हैं जो मंदिर चल रहे हैं उनके नाम से, चल नहीं रहा। बिरला मंदिर जयपुर में अभी गया था, बिरला मंदिर बड़ा आलीशान कुरुक्षेत्र में बना है, दिल्ली कनॉट प्लेस में, तीन में तो मैं गया हूं, बिरला मंदिर आलीशान, बिरला ग्रुप ऑफ कंपनी के मंदिर हैं। इस्कॉन टेंपल, इस्कॉन वालों से तो हमारे संतों को दिक्कत है, वो सारा कौन सी ट्रस्ट का है, इस्कॉन, हाँ यूएस की ट्रस्ट है, उसका चंदा जो जा रहा है वो कहां जा रहा है, यूएस में जा रहा है। तो अब हमारे संत कहता है कि कुछ संत भी हमारे वाले मंदिरों में जाया करो, इस्कॉन में जाओगे तो पैसा बाहर जाएगा, और पता लगे फॉरेनर ने इस सेक्टर में भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया इंडिया में, मंदिर खोल लो, ये हाल है। चलो टैक्स है, टैक्स हर जगह। आप किसी धार्मिक स्थान पे जाओ ना, माता वैष्णो देवी या हरिद्वार, वहां पता क्या होगा, कुछ जगह ना छोटे छोटे मंदिर घर के बाहर सबको खोल लेता है, क्योंकि भक्त आते हैं जाते जाते 10 रुपए चढ़ा गया कोई, तो भी बिजनेस ही, और क्या है, देखा जाए तो बिजनेस है। जगह जगह आपने भगवान स्थापित कर दिए, पूजा पाठ उचित नहीं करते नहीं, तो ये क्या है, बिजनेस, इस पे टैक्स है। पर बात वही है, दिक्कत वही है कि बड़ा मुश्किल है इनसे टैक्स लेना। तो DU हो गई, ये मंदिर बोर्ड हो गए, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल ज्यूरिस्डिकल पर्सन, इन पे भी क्या है, टैक्स। सेक्शन 2 क्लोज 31 समझ आ गया, क्या है सेक्शन 2 क्लोज 31, किसी को डाउट इसमें? ये एक सेक्शन है एसएससी का 27, सिंपल एसएससी। हां जी, कौन एसएससी है? एवरी पर्सन कंसर्न्ड विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एवरी पर्सन कंसर्न्ड विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कॉल्ड, हर पर्सन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कंसर्न है। मान लो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बाहर एक चाय वाला बैठा है, ठीक है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोगों को चाय दे के आता है और पैसे लेता है, वेदर ही विल बी ट्रीटेड एज एसएससी? नो, एवरी पर्सन कंसर्न्ड विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विद इनकम टैक्स पर्पस ही विल बी कॉल्ड। इनकम टैक्स के पर्पस से आप जुड़े हो, चाय वाला नहीं, क्लियर? चाय वाले से मीनिंग गलत ना समझ लेना। चलो, क्या एसएससी कहता है सेक्शन 27, तो एसएससी कौन है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कंसर्न है? इसमें कौन आगे? वो हर आदमी जिसका टैक्स बनता है, या जिसने टैक्स रिफंड लेना है, या जिसे क्या है, लॉस। तो आप अपने लॉस को क्या कर सकते हो, लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्डेड बाय फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न्स। आप अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, क्या फाइल करके, इनकम टैक्स रिटर्न। मान लो पीयूष को लॉस आ गया 10 लाख रुपए का, कोई बात नहीं भाई, तू अपनी क्या भर दे, इनकम टैक्स की रिटर्न, लिख के दे दे तेरा लॉस कितना है, ये लॉस तेरा क्या हो जाएगा अगले साल, कैरी फॉरवर्ड, अगले साल इनकम से कट जाएगा, ये अगले साल भी कमाई ना आई तो और अगले साल। बिजनेस के लॉस 8 ईयर तक वेट में रहते हैं, कभी तो इनकम आएगी काट लेंगे, टैक्स बच जाएगा, समझे? पर उसके लिए क्या फाइल करनी पड़ेगी, लिख के देना पड़ेगा। ऐसे तो कोई चुपचाप आके कह देगा भैया पिछले साल लॉस था, क्या पता था, रिटर्न भरो। टैक्स बनता है तो टैक्स भरो, रिफंड बनता है, टीडीएस कटा है तो रिफंड लेने के लिए भी क्या भरनी पड़ेगी, इनकम टैक्स की रिटर्न। तो जो रिटर्न भर रहा है, चाहे टैक्स है, चाहे रिफंड है, चाहे लॉस, वो क्या है, ठीक है।
ठीक। डीम्ड सखी क्या, कमा कमा के जब टैक्स देने का टाइम आया दुनिया छोड़ गया, प्रीवियस ईयर में कमा कमा के टैक्स असेसमेंट ईयर में भरना था, मर गया। इनकम टैक्स का क्या होगा, इनकम टैक्स कहता है क्या, कफन के भी जेब थी जो सारा पैसा साथ ले गया, पैसा तो यहीं छोड़ गया, तो टैक्स कौन भरेंगे उसके परिवार वाले, बंदा गया तो क्या हुआ, पैसा तो यहीं छोड़ गया तो कौन टैक्स देगा उसका, रिप्रेजेंटेटिव यानी डीम्ड असेसी, तुझे सच्ची मान लेंगे, यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज पर्सन, यू आर लायबल टू ऑनर ऑल द लायबिलिटी ऑफ टैक्स रिगार्डिंग डिसीज पर्सन, देगा टैक्स वो, बोलो। नेक्स्ट, असेस्ड इन डिफॉल्ट, ये वो आदमी है जो डिफॉल्टर है। जैसे मान लो मेरा टीडीएस काटना था, मेरे से एक बिल्डिंग किराए पे ली है बिजनेस करने के लिए ऋषभ ने, जिसका 10 लाख किराया है, ऋषभ ने क्या काटना था 10 लाख में से, 1 लाख रुपए का टीडीएस 1 लाख, ठीक। मुझे कितना कैश पेमेंट देनी थी, मुझे कैश पेमेंट देनी थी 9 लाख, ऐसा था ना, इसने मुझे कितने पैसे दे दिए, 10 के 10, 1 लाख नहीं काटा, मैं 10 लाख लेके फरार, इनकम टैक्स को मेरी खबर नहीं, मैं कहा हूं टैक्स भर नहीं रहा, तो इनकम टैक्स मुझे तो ढूंढ पा नहीं रहा, बड़ा परेशान है, ऋषभ के पास आ गया, क्या ऋषभ सारा तेरी वजह से हुआ है, तूने काटा होता टीडीएस कम से कम 1 लाख रुपए तो हमें मिलते, 1 लाख रुपए तो मिलते, तू तो 1 लाख रुपए नुकसान करवा गया, यू आर असेस्ड इन डिफॉल्ट, तू डिफॉल्टर है, तेरी वजह से 1 लाख रुपए गए, यू आर लायबल टू पे टीडीएस ऑफ 1 लाख, समझे, असेस्ड इन डिफॉल्ट, समझे। तो ये टॉपिक था क्या, सेक्शन 2 क्लोज 7 असेसी। एक बंदे के पास इंक्वायरी के लिए लेटर आया, क्या हुआ, संजना थोड़े दिन पहले शहर में चर्चा है, एक महंगी कार पे घूम रही है, या इन्होंने एक बड़ा आलीशान घर भी ले लिया, महंगी कार ले ली, फॉरेन में घूमने के लिए फेसबुक पे फोटो डाल दी, वो आजकल ना सोशल मीडिया भी अपडेट करके रखते हैं फेसबुक वाले, देखते रहते हैं वो अपना इनकम टैक्स वाले, फेसबुक इंस्टाग्राम आईडी चेक करो, कहां कहां घूम के आया है, क्या पैसा खर्च किया है, ये वो इन्होंने लिया, ये सारी चीजें, इनकम टैक्स ने इंक्वायरी के लिए लेटर डाला, संजना आपके पास इनकम कितनी है, हमें इंक्वायरी करनी है। तो बाद में संजना ने क्या, संजना असेसी है ना, असेसी कब है, कोई पेनल्टी लगी, कोई एक्शन हुआ, पता लगा संजना के फैमिली मेंबर की है सारी प्रॉपर्टी, संजना के नाम कुछ भी नहीं है, तो क्या इस केस में संजना पे कोई एक्शन, कोई पेनल्टी है, नहीं, क्या ये असेसी है, नहीं, ना टैक्स लगा, ना कोई पेनल्टी, ना कुछ, सिर्फ इंक्वायरी की थी ऑफिसर ने, आपने जवाब दे दिया, तो क्या संजना असेसी है, अगर एक्शन हो गया, टैक्स बन गया, तो देन यू विल बी ट्रीटेड एज असेसी। क्लियर हुआ, ये पढ़ लोगे, यहां तक करते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि फर्स्ट चैप्टर बेसिक सारी यूज करता है, इसलिए धीरे धीरे ये चीजें सारी कॉमन हो जाएंगी।